यह बात कई मौकों पर अरविंद केजरीवाल साबित कर चुके हैं कि सत्ता के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। अब दिल्ली में कोई नया मुद्दा नहीं मिला तो केजरीवाल बिहार की राजनीति करने लगे। विधानसभा चुनाव करीब आते देख केजरीवाल का बिहारी प्रेम उमड़ने लगा। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने मैथिली को दिल्ली के स्कूलों में वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने की घोषणा कर दी और लगे हाथ केंद्र सरकार से भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर डाली। करीब 4.5 साल के कार्यकाल में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को न दिल्ली में बसने वाले करीब 70 लाख मैथिली और भोजपुरी भाषियों की याद आई। अब चुनाव करीब है तो मैथिली को 8वीं से 12वीं तक की कक्षा में वैकल्पिक भाषा के रूप में शामिल करने की घोषणा कर दी। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का मैथिली प्रेम इस कदर जागा कि अब वे दिल्ली में मैथिली को वैकल्पिक भाषा के रूप में चुनने वाले IAS की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त में कोचिंग भी कराएंगे। माना जा रहा है कि असल में यह केजरीवाल का मैथिली और भोजपुरी प्रेम नहीं वोट प्रेम है, जिसकी उन्होंने विधानसभा चुनाव में सख्त जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।